कंसर्न कर लो क्या होता है। मतलब कोर्शन, अंडी इन्फ्लुएंस के थ्रू कंसेंट नहीं होनी चाहिए, एकदम जेन्युइन कंसेंट होनी चाहिए। मतलब क्या होता है? मतलब कंसेंट किसी प्रेशर में आकर नहीं होनी चाहिए, बंदे की खुद की सहमति से होनी चाहिए, हाँ वो एग्री करता फिर से बोलो मतलब क्या होता है? चलो तो देखिए, सेक्शन 13 कहता है कि टू पर्सन आर सेट टू हैव कंसेंटेड व्हेन दे एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, तो जो कंसेस दो कह रहा है लोग जब ये। कंसेंटेड कहलाते हैं, जब सहमत कहलाते हैं, जब दोनों लोग एक बात पे एक ही तरीके से एग्री करते हैं। ठीक है, से एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। वही मीनिंग है वो वाला। इन इंग्लिश लॉ दिस इज कॉल्ड कंसेंसस एड आइटम। मीनिंग तो बहुत सारी चीज़ों का सेम होता है, लेकिन बोलने का तरीका भी तो प्रेजेंटेशन जरूरी होती है। तो कंसेंसस एड आइटम मतलब कि मीटिंग ऑफ माइंड, जब दो लोग एक ही बात को सेम तरीके से सोचते हैं तो उसको कंसेंसस एड आइटम बोलते हैं। यानी अगर मीनिंग आए कि कंसेंसस एड आइटम का मतलब क्या, तो बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड, मीटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, अब आती बात अगर कंसेंट ना हो, यानी कि जो यानी अगर वो कंसेंट फ्रीली ना दी हो तो क्या होगा? कहते हैं व्हेन देयर इज नो कंसेंट एट ऑल द एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। जब कंसेंट ना हो, जब कंसेंट ही ना हो तो वॉइड ऑफ इनिशियो होता है। इट इज नॉट एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द इधर पार्टी। उसके ऊपर जो है कोई भी बंदा जो केस नहीं कर सकता जब कंसेंट ही नहीं हुई। एग्जाम्पल के तौर पर, एक्स हैव टू कार, वन मारुति कार एंड वन होंडा कार। वाई डज नॉट नो दैट एक्स हैज टू कार्स। एक्स वाई ऑफोर्स टू बाई कार एट ₹50,000। हेयर देर इज नो आइडेंटिटी ऑफ द माइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, हिन्स देर इज नो कंसेंट एट ऑल द एग्रीमेंट इज वॉइड ऑफ इनिशियो। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक्स के दो कारें पड़ी हुई हैं, एक होंडा की एक मारुति की। वाई सोच रहा है कि भाई मैं ₹50,000 में होंडा की कार खरीद लूँ, और एक्स सोच रहा है कि भाई ₹50,000 में मेरी मारुति बिक रही है। तो यहाँ पर दोनों क्या एक ही बात को सोच रहे हैं, सेम सेम सोच रहे हैं? नहीं, तो वो उनकी जो है मीटिंग ऑफ माइंड हुई नहीं, आइडेंटिटी ऑफ माइंड हुई नहीं, तो क्या हो गया? वॉइड ऑफ इनिशियो हो गया। एग्जाम्पल, अच्छा ये केस था बालादेवी वर्सेस मनूम दास, अब 18 अप्रैल 1956 का केस है। हुआ क्या था इसमें, ये कहानी थी कि भाई जो बालादेवी थी वो कहीं बाहर जा रहे थे, तो उसने अपने मैनेजर जो था मनूम दास के नाम पे एक वो ट्रांसफ़र कर दी, पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है? विल किसी मतलब नहीं, कंट्रोलिंग पावर। हाँ, कंट्रोलिंग पावर होती है पावर ऑफ अटर्नी, कि भाई आपको जो है पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं और आप जो है हमारे मेरा काम चला सकते हैं। नहीं, काम चलाने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी है। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, गिफ्ट डीड पे साइन करा लिए। गिफ्ट डीड में क्या था, गिफ्ट डीड तो भैया फ्री प्रॉपर्टी मिल गई थी, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली। तो बाद में पता चला कि वो तो इलिटरेट वूमेन है। जब केस चला तो वो तो इलिटरेट वूमेन थी, उसको तो पता ही नहीं है किस चीज़ पे साइन करा रहा है। तो ये वाइड हुआ। तो बेचारा वैसे ही केस आ गया। बालाजी जब वापस आई तो देखा उसे सब पे कब्जा करके बैठा हुआ है, तो फटाफट उसने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस में उससे पूछा भाई आप पढ़े लिखे, कहते मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे कहता किस पे साइन करा रहा है। तो केस वैसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड तो हुआ ही नहीं। तो कहता है कि जो फ्री कंसेंट होती है वो नहीं होनी चाहिए इन 5 वजह से। जो वही चीज कंसेंट है। होती है वो फ्री का मानी जाएगी जब ये 5 वजह ना हो, कोएर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो इसी के डिटेल्स खोल के हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोएर्सियन पे सेक्शन 15 है, अनड्यू इन्फ्लुएंस पे सेक्शन 16 है, फ्रॉड पे सेक्शन 17 है, मिसरिप्रेजेंटेशन पे सेक्शन 18 है, और मिस्टेक पे 20, 21, 22 है। ठीक है, अब आ गया इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या होगा? इफ कंसेंट इज बाय कोएर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अगर जो फ्री कंसेंट की एब्सेंस होगी, यानी इन वजह से अगर जो कोई भी के बना है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। क्या है कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल है। ठीक है, क्या है? वॉइडेबल, वॉइड नहीं है, वॉइडेबल वॉइडेबल जो अलग तरीका है। था। क्या मतलब है? तो जो फ्री कंसेंट अगर नहीं होगी इन सारी वजह से तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे कोर्शन। कोर्शन का मतलब क्या होता है? तो कोएर्सियन है, कहता है कमिटिंग एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, फॉरबिडन बाय आईपीसी इंडियन पेनल कोड के हिसाब से उसको रोक लगी हुई है। ठीक है, दूसरा थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी, कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए धमकी देना जो जिस पे रोक लगी हुई है, जैसे कि जान से मार दूंगा, क्रिमिनल एक्ट। क्या जान से मारना अलाउड है? आईपीसी ने उस पर रोक लगा रखी है, उसके लिए धमकी दे। अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी पे गैरकानूनी कब्जा,
या फिर किसी भी प्रॉपर्टी पे गैर कानूनी कब्जा करने की धमकी देना, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है, कोएर्सिव कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स जो है वाई को पीटता है और कंपेयर करता है कि अपनी कार 50,000 रुपये दे दे, मजबूर कर। अब यहाँ पे अगर ये वाई कंसेंट दे देता है तो वो कोएर्सिव से है, अब क्योंकि बीटिंग करना एक ऑफेंस है इंडियन पेनल कोड के हिसाब से। अगेंस्ट होम बाई होम किसके खिलाफ कर सकते हैं, ये ना किसी के भी खिलाफ हो सकता है। अब जैसे कि मान ले ए और बी के आपस में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और ए कहता है कि मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, तो कौन किसके खिलाफ कर सकता है। जब मैं कह रहा था कि भाई ए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बना रखा है, एक्स धमकी देता है जेड को मार दूंगा, और जेड कौन है, जेड है वाई का बेटा, ठीक है। तो उसने धमकी दी, क्या दी, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, कहीं धमकी दे सकता है, कोई भी किसी को भी धमकी किसी भी तरीके से दे सकता है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है थर्ड पर्सन को बोलते, अब जैसे मान ली मैंने भी तेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, मैंने तीसरे बंदे को बोल दिया तो जाकर धमकी देते मेरे नाम पे प्रॉपर्टी कर देगा, है ना। तो कोएर्सिवन कहीं से भी किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि भाई उस कॉन्टेंट में वो पार्टी होंगी वही करेंगे। कोएर्सिवन में प्रोसीड फ्रॉम एनी पर्सन एंड मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्सन इवन अ स्ट्रेंजर, एग्जाम्पल हमने अजनबी से भी। तो फ्री इफेक्ट ऑफ थ्रेट टू फाइल अ सूट, देखो कहता है धमकी देता मैं तेरे पर केस कर दूंगा, सूट का क्या था, केस कर देना। अब अगर वो सच्ची बात पे है, जैसे मान लो तूने चोरी की और मैं कह दूंगा मैं तेरे पर चोरी का केस कर दूंगा, तो ये क्या धमकी है, नहीं, ये तो सही चीज़ है, ये तो सही है भाई। लेकिन अगर बिना गलती के, अब तो मैं अब जैसे लेडीज़ करती हैं अपने ऊपर दूसरे के ऊपर आरोप लगा देती हैं कि भाई इसने मेरे को बदतमीजी की है, तो वो नकली है, तो वो चीज़ क्या है, वो कोएर्सिवन है, ठीक है। वो क्वेश्चन में आएगी क्योंकि वो एक्ट तो उसने किया ही नहीं है। तो अगर जो कोई झूठ कह के केस करने की बात करे तो वो थ्रेट कहलाएगा और वो क्वेश्चन में काउंट होगा। कहते हैं थ्रेट टू फाइल अ सूट वेदर सिविल और क्रिमिनल डज नॉट अमाउंट टू क्वेश्चन अनलेस द सूट इज ऑन फॉल्स चार्ज, गलत चार्ज। तो कहते हैं जब तक गलत चार्ज पे नहीं, जब तक झूठे चार्ज पे नहीं, जब तक वो क्वेश्चन नहीं है। अगर झूठे चार्ज पे तो क्वेश्चन है, थ्रेट टू फाइल अ सूट ऑन फॉल्स चार्ज इज एन एक्ट अपॉइंटेड बाय आईपीसी एंड दज विल अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा ये बड़ा अच्छा केस है ये चिक्का मम्मी राजू वर्सेस शेषम्मा का। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ थ्रेट टू कमिट सुसाइड करने की धमकी देना, क्या क्वेश्चन में आता है, हाँ जी आता है। कब आता है वो देख, कहते हैं वैसे अमाउंट नहीं करता लेकिन धमकी देना, जैसे इसने क्या किया, इस बंदे ने क्या किया, इसने किया कि भाई अपने बीवी और अपने बेटे को ये धमकी दी कि मैं भी सुसाइड कर लूँगा, नहीं तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है मेरे भाई के नाम पे कर दूँ। अब उन्होंने डर की वजह से जो है कर दिया कि भाई मेरे पापा मर जाएंगे और वो वाइफ ने भी मेरा हस्बैंड मर जाएगा तो उसके भाई के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी। बाद में उसने वो जब वो प्रॉपर्टी लेने के लिए आ गया, उसने जब ऐसे नाम ही तो करवा रहा होगा उसने वो छिल्ले, तो उसका भाई आ गया प्रॉपर्टी लेने के लिए, भाई प्रॉपर्टी तो मेरी है, माँ बेटे को निकालने के लिए, तो फिर उन्होंने केस कर दिया। तो फिर ये जीत के थे कि भाई इसी बेस पे कि इसने ये जो इन्होंने एग्रीमेंट किया ये कोर्सियों के बेस पर था, क्योंकि सुसाइड करने की धमकी, नमस्ते, सुसाइड करने की धमकी देना भी कोर्सियन कहलाता है, ठीक है। रीड मार देते हैं बस केस को, द पर्सन थ्रेटेंड टू कमिट सुसाइड इफ हिज वाइफ एंड सन डिड नॉट एग्जीक्यूट अ रिलीज डीड इन फेवर ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है। तो एक आदमी ने सुसाइड करने की धमकी दी उसका उसकी वाइफ और पत्नी उसके भाई के फेवर में एक रिलीज डीड नहीं टाइप कर दिया था इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी के बारे में। इट वाज हेल्ड दैट दो अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज नॉट पनिशेबल अंडर द आईपीसी, ठीक है, क्योंकि धमकी देना कमिट सुसाइड करने का पनिशेबल नहीं है, लेकिन इट इज डीम्ड टू बी फॉरबिडन बाय दैट कोड, लेकिन इस पर माना जाता है कि रोक लगा रखी है, डीम्ड का मतलब क्या होता है, माना जाता है, ठीक है। हेंस द थ्रेट टू कमिट सुसाइड अमाउंटेड टू कोएर्सिवन एंड द रिलीज डीड वाज देयरफॉर वॉइड। अब एक वर्ड आता है ड्यूरेस और कोएर्सिवन, ड्यूरेस जो है इंग्लिश लॉ का वर्ड है, मीनिंग एक ही है, वही तो थोड़ा सा फर्क है। वो क्या क्या फर्क है, कहते हैं इंग्लिश लॉ यूज ड्यूरेस यूज करता है कोएर्सिवन के बदले में, लेकिन इसमें दो फर्क है। ड्यूरेस डज नॉट इंक्लूड डिटेन ऑफ प्रॉपर्टी और थ्रेट टू डिटेन प्रॉपर्टी, तो ड्यूरेस के अंदर प्रॉपर्टी पे कब्जा करना या प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की धमकी देना इंक्लूड नहीं है। और ड्यूरेस कैन बी एम्प्लॉयड ओनली बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और एजेंट, और ड्यूरेस जो है सिर्फ पार्टी कर सकती है, यानी कि अगर थर्ड पर्सन करेगा तो वो इसमें नहीं आएगी बात, स्ट्रेंजर जैसे, हाँ, जबकि हम लोग क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि भाई कोई भी किसी को भी कर सकता है, ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या 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 हैं,
तो पहला इफेक्ट ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी अवॉइड द काउंटर, तो पहले एग्रीड पार्टी कौन सी होती है जो पीड़ित होती है, तो पीड़ित पार्टी जो है वो एग्रीड पार्टी है, ठीक है, तो वो अवॉइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। कहते हैं व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कोएर्सियन द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय, इधर ध्यान देना मेरा भी ध्यान भटका रहा। When consent to an agreement is obtained by coercion, the agreement is counter voidable at the option of the party whose consent was obtained by the coercion. तो जिस party की consent उन्होंने coercion से लिया उसके बाद option है कि वो उसको void करा सकता है। Obligation of agree party, अब उसकी क्या क्या जिम्मेदारी रहेंगी, रीस्टोर करनी पड़ेगी उसको जो भी उसने बेनिफिट ले रखे हैं, वापिस मिल जाएंगे, वापिस मिल जाएंगे, कैश वैश जो कुछ भी है वो वापिस करना पड़ेगा उसको। और मान लो मैंने तेरे से प्रॉपर्टी ले ली 10 लाख रुपए में तेरी, तो 10 लाख रुपए वाले वापिस करेगा, ठीक है। द पार्टी डिफेंडिंग अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल रजिस्टर द बेनिफिट रिसीव बाय हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू द पर्सन फ्रॉम होम द बेनिफिट वाज रिसीव्ड। ऑब्लिगेशन ऑफ अदर पार्टी टू रिपे और रिटर्न, और दूसरी पार्टी की भी जिम्मेदारी रहेगी कि वो भी जो पहले पैसे वापस करेंगे। अभी जब ये कोर्ट में जाएगा ना, कि जब ये सारी की सारी बातें होंगी, कोर्ट केस बन जाएगा, ठीक है, फिर वो कोर्ट ही जो वापस दिलवाएगा सारी चीज़ें, क्योंकि कोई बंदा जानबूझ अपने आप को देगा नहीं, ठीक है। तो पहले वो रजिस्टर करेंगे सारी की सारी चीज़ें। चलो आगे बढ़े, एग्जांपल एक्स थ्रेटन टू किल वाई, एक्स धमकी था वाई को मार दूंगा अगर अपना मकान 1 लाख के पे मिल दिया, तो वाई जो अपना मकान उसको बेच देता है 1 लाख रुपये में और पेमेंट ले देता है, ठीक है। वाई की जो कंसेंट है वो कोएर्शन से हुई है, तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो अवॉइडेबल है वाई के ऑप्शन पे। अगर वाई डिसाइड करता है इसको अवॉइड करना है, तो उसको जो है 1 लाख रुपये वापस करने पड़ेंगे जो उसने एक्स से लिए, ठीक है। आगे आता है कि डिटेनिंग प्रॉपर्टी अंडर मॉर्गेज, अगर किसी बंदे ने अपनी जो है गिरवी रख रखी है अपनी प्रॉपर्टी और उस पर बंदा कब्जा कर ले, कब्जा होता है डिटेनिंग अभी नहीं, हाँ डिटेन करना, कब्जा कर ले अगर जो वो जिससे पैसे लिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा वो वैलिड है, ये कोएर्शन नहीं कहलाता। डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ मॉर्गेज सीधी सी बात, पेमेंट ऑफ लोन जजमेंट अमाउंट टू कोएर्शन, धमकी क्या नहीं है, वो धमकी भी दे दे कि भाई मैं तेरी प्रॉपर्टी कब्जा कर लूँ, पैसे दे मेरे ऑफिस, वो ओके है कर सकता है कब्जा, पैसे ले रखे होता है। दूसरा क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, दबाव डालना, दबाव कौन डाल सकता है, दबाव तुम्हारे जो नियर रिलेशन में जाते लोग डालते हैं, चाचा ताऊ वगैरह डाल लेते हैं, पापा डाल लेते हैं, मेरा नाम करते प्यार प्यार से, नहीं नहीं मान लो वो ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उनको, वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करा लेते हैं, अगर वो तुम्हारी बेनिफिट के लिए करा रहे हैं फिर तो ओके है, लेकिन अगर वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं फिर वो ओके नहीं, तो वो अनडू इन्फ्लुएंस कराएगा, ठीक है। कहते हैं डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर पर्सन, दूसरे की विल को इच्छा को दबाना टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, एक अनफेयर एडवांटेज उठाने के लिए ओवर द अदर्स, क्या कहलाता है अनडू इन्फ्लुएंस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16(1) अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इंड्यूस्ड बाय अनडू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी सच दैट वन पार्टी इज इन पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, ठीक है। तो रिलेशन ऐसी है कि एक एक पार्टी इस पोजीशन में है कि दूसरे की विल को वो दबा सकता है, दूसरा द डोमिनेंट पार्टी यूज जो पोजीशन और उसने उस पोजीशन को यूज भी कर लिया और उसने जो है अनफेयर एडवांटेज उठा लिया। तो तीन बातें इसके अंदर, पहली बात उन्हें पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो डोमिनेट कर सकता है सामने वाले की विल को, दूसरी बात जो वह पार्टी जो है वो इसको यूज कर लेती है उस ओपिनियन को, और तीसरा अनफेयर एडवांटेज उठाती है उस चीज़ का, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि क्या हुआ है अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। अब ये सर्कमस्टेंस ही बता रहा है, सिचुएशंस कहता है वेयर ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर, जैसे कि मास्टर एंड सर्वेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एसएससी, प्रिंसिपल एंड टेम्परेरी टीचर, तो यहाँ पे क्या हो क्या अपेरेंट अथॉरिटी है, ठीक है। वेयर ही स्टैंड्स इन अ ट्रस्ट फिड्यूसरी रिलेशन टू अदर, अब फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, फिड्यूसरी मतलब कि विश्वास कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, स्पिरिचुअल गुरु एंड हिज डिसिपल, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट्स, गार्जियन वार्ड्स, ये सारे बता रहा है, लायक नहीं सर, ठीक है। मेंटल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इज टेम्परेली और परमानेंट अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज या बीमारी वगैरह, कहते हैं जैसे मेडिकल अटेंडेंट और वार्ड के बीच में, तो वहाँ पे वो भी उसको फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल बनाया रानी अन्नापूर्णी वर्सेज स्वामीनाथ का केस था, रानी अन्नापूर्णी क्या थी, उसका कोई केस वेस चल रहा था, उसको पैसे चाहिए थे, ठीक है, क्या चाहिए थे, पैसे किस लिए चाहिए थे, केस के लिए, केस चल रहा था उसके मेंटेनेंस के लिए, अब उसको पैसे बहुत जरूरी चाहिए थे, तो उसने वो गई इसके पास स्वामीनाथ के पास,
पैसे देने के लिए, स्वामीनाथ क्या बोलता है, मैं 100% इंटरेस्ट लूँगा, कितना लूँगा 100%, 100% ब्याज लेगा, मतलब ये तो ज़्यादा नहीं हो गया कुछ, बहुत ज़्यादा हो गया, तो फ़ायदा उठा रहा ना वो, मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, जितना है उतना ही लेगा वापस, नहीं ना जितना उतना नहीं होता, कुछ ज़्यादा बंदा ले सकता है, अगर मान लो मार्केट में 25% रेट चल रहा है तो 30% ले सकता है। तो सर 100% कितना हो गया, मान लो 10,000 का 100% कितना हो गया, 10,000 वही तो हुआ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, पूरे पैसे लेगा 20,000 रुपये लेगा, नहीं भेजे बात आती, अच्छा समझ गया समझ गया, इंटरेस्ट है ब्याज, ब्याज 100% बोल रहा है, समझ गया, यानी अगर मैं 2,000 रुपये लूँगा तो 4,000 रुपये लूँगा, दो हो गए और प्लस, ठीक है, तो मार्केट का जो रेट चल रहा है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन मार्केट का रेट चल रहा तो 100% पहुँच गया, ऐसे नहीं होगा। तो ये था पुअर विडो हु वाज इन डायर नीड ऑफ टू मनी टू एस्टैब्लिश हिज राइट टू मेंटेनेंस, एक पुअर विडो थी विधवा जो जिसको बहुत ज़्यादा पैसे डायर मैंने बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत थी, किस लिए कि उसको अपना जो राइट टू मेंटेनेंस का केस चल रहा है, वाइज प्रेस का बाय मनी लेंडर टू टेक लोन एट द रेट ऑफ 100%, उसने उसको कहा कि 100% ले ले, 100% ब्याज पे ले ले, इट वाज हेल्ड दैट अंडर इन्फ्लुएंस बाय द पर्सन वाज अंडर मेंटल डिस्ट्रेस एंड द कोर्ट रिड्यूस द रेट टू 24%, तो कोर्ट ने जो उसको 24% तक उसके रेट को गिरा दिया, ठीक है, यानी ये अंडर इन्फ्लुएंस था। अब आगे आगे एक केस है मनु सिंह वर्सेस उमादत पांडे का, उमादत पांडे गुरु था, ये है ना जैसे राम रहीम वगैरह जैसे गुरु जी, तो ये था, ठीक है, तो इसने क्या किया, इस मनु सिंह से इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ली, तो उसने अपने चेले से जो है अपने नाम पे सारी सारी प्रॉपर्टी करा ली, तो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा है कि हाँ भी ये भी रिलेशनशिप आती है जब एक बंदा सामने चला था गुरु चेले की है सिचुएशन, ठीक है। अब आती है बात कि भाई किस किस केस में डोमिनेशन ऑफ विल नहीं मानी जाती, यानी कि अंडर इन्फ्लुएंस नहीं माना जाता। पहला, किराएदार मकान मालिक, मकान मालिक नहीं दबा सकता किराएदार को, उधार देने वाले का, उधार लेने वाले का, हस्बैंड एंड वाइफ पर्दा नशी वुमन को छोड़ के, और प्रिंसिपल एजेंट किसको छोड़ के, पर्दा नशी वुमन वो होती है जो मुस्लिम होती है और जो है बिना पर्दे के किसी भी घर से, घर के बाहर के मर्द से टच में नहीं आ सकती, बातचीत नहीं कर सकती, बात भी नहीं कर सकती, इसको पर्दा नशी वुमन बोलते हैं। मुसलमान में होता ना, हिंदू में थोड़ी होता है, मुसलमान में होता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्दा नशी वुमन, कहता पर्दा नशी वुमन से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अ वुमन हु ऑब्जर्व कंप्लीट सेक्लूशन दैट इज हु डज नॉट गेट कम इन कॉन्टैक्ट विद पीपल अदर देन हर फैमिली मेंबर इज कॉल्ड पर्दा नशी वुमन। लीगल प्रिजम्पशन ये है, कॉन्ट्रैक्ट विद पर्दा नशी वुमन इज प्रीम टू हैव बीन इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, उनको दबाया जा सकता है बड़े आराम से, तो भाई उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में ले लिया, ये प्रिजम्पशन है कि भैया अगर पर्दा नशी वुमन से तुमने कोई भी कॉन्टैक्ट किया है तो तुमने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। आ रही बात समझ में, दबाव। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या रहेगा भैया, क्या साबित करना पड़ेगा, अगर मान लो कोई बंदा किसी पर्दा नशी वुमेन से अगर कॉन्टैक्ट कर लेता है तो उसके ऊपर दबाव क्या रहेगा, उसको क्या बताना पड़ेगा कोर्ट को, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने उसको सारी चीज़ें बताई थी और उसने सारी चीज़ें समझी, ये क्लियर बताई थी मैंने, लॉयर का काम है। अदर पार्टी हू एंटर्स इनटू अ कॉन्टैक्ट विद पर्दा नशी वुमेन मस्ट प्रूव दैट ही मेड फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट्स, ऑल फैक्ट्स। दूसरा कि भी दैट शी अंडरस्टूड, और ये भी उसको समझ में आ गए थे द कॉन्ट्रैक्ट एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे कैसे करना सब उसको समझ में आ गया था। दैट शी वाज इन द शिफ्ट ऑफ कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट, और वो योग्य थी किसी भी एडवाइस को लेने के लिए बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने ऐसे दबाव नहीं डाला, मैं तो कहा तो पूछ के बता दें, सारी बातें क्लियर कर दी थी। अब इफेक्ट क्या रहेंगे इन्फ्लुएंस की, वही है सेम टू सेम, वॉइडेबल है, जिसके खिलाफ हुआ है वो बंदा वॉइडेबल रहेगा। अब आती है बर्डन ऑफ प्रूफ, इसको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा। दो पार्टी हैं, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी और एक वीकर पार्टी है, स्ट्रॉन्ग डोमिनेट कर देगी, डोमिनेटिंग पार्टी और डोमिनेटेड पार्टी, ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा और जो वीकर पार्टी है उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा। वीकर पार्टी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो उसकी जो विल को डोमिनेट किया गया, ठीक है, दैट द अदर वाज इन द पोजिशन ऑफ डोमिनेट द विल, दैट द अदर पार्टी एक्चुअली यूज द इन्फ्लुएंस टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज, दैट द ट्रांजेक्शन टू अनरीजनेबल अनकंसिडरेबल मतलब अनरीजनेबल, जो ट्रांजेक्शन हुई वो क्या है अनरीजनेबल है, ठीक है, और इन केस ऑफ अनरीजनेबल ट्रांजेक्शन द डोमिनेट पार्टी हैज़ टू प्रूव दैट सच एक्ट वाज नॉट इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, और जिसने डोमिनेट किया है जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है उसके ऊपर ये रहेगा कि उसको ये बताना पड़ेगा कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। अ ट्रांजेक्शन सेट टू बी अनकंसिडरेबल इफ द डोमिनेंट पार्टी मेक्स एन
एक्सोरबिटेंट प्रॉफिट ऑफ द अदर डिस्ट्रेस। कहता है अनरीजनेबल जब जब बोली जाएगी, कब बोली जाएगी, जब जब सामने वाले ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, यानी मेरे से तो ट्रांजेक्शन करवाई और कुछ इतने पैसे कमा गए, मेरे को तो मिला नहीं, ठीक है। अब आगे आता है, कहता है एक्स वाज इन ग्रेट नीड ऑफ मनी, द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीवेलिंग दैट टाइम वाज 15-24%, अ लेंडर एग्रीड टू ग्रांट द लोन एट 30%। अब बताइए वैलिड है नहीं है, नहीं है ये वैलिड है, ये हाँ थोड़ा बहुत ऊपर मांग सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर चल सकता है, पूरा नहीं मांग सकता, इसको सामने दिखा भी सकता, पैसे की भेजा जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे ले लो, ओके। दिस ऑफ स्टेंजी इन द मनी मार्केट, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज अनसीजनेबल ट्रांजेक्शन मेयरली बिकॉज ऑफ एन अनयूजुअल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। However, if the lender agreed to grant the loan at a rate of which is so high, say 75% to 100%, then the court consider it unconscionable and the transaction will be called unconscionable. ठीक है। Rebutting presumption, presumption कब हट सकती है अली? जो हमने पीछे presumption पढ़ी है कि भाई इस केस में presume किया जाता है, इस केस में presume किया जाता है कि भाई dominant हुआ है, तो कब कब हट सकती है? जब dominant party ने पूरी की पूरी बात बता दी और प्राइस पूरा दिया हो, और जो है उसके बाद जिस जिस पार्टी वीकर पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जो डोमिनेंट हो सकती है, उसको पूरा मौका दिया है कि अभी तो किसी से भी जाके इंडिपेंडेंट एडवाइस ले सकती है। फ्रॉड का मतलब होता है कि बंदा जानबूझ के किसी को धोखा देता है इंटेंशनली। फ्रॉड मीन्स द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, झूठा दिखावा अपने आप को विलफुली जानबूझ के, विद अ व्यू टू डिसीव, धोखा देने के लिए द अदर पार्टी, ठीक है। जब एक व्यक्ति जानबूझ के दूसरे को धोखा देने के लिए अपने आप को गलत रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं फ्रॉड। सेक्शन 70 इसमें एप्लीकेबल है, और सेक्शन 70 की डेफिनेशन बोलती है फ्रॉड मीन्स एनी एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में की पार्टी होगी वही फ्रॉड, तो फ्रॉड करेगी, स्ट्रेंजर फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो फ्रॉड कौन कर सकता है? वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में और विद हिज कनिवेंस और बाय हिज एजेंट, या फिर उसके किसी और को वो जो है उसका बंदा जो उसका एजेंट है, विद इंटेंट, इंटेंट मतलब इंटेंशन, मंशा डिसीव करने के लिए अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट और टू इंड्यूस टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फ्रॉड की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है जी? कहता है द सजेशन एज टू फैक्ट, वो गलत हो, वो सही फैक्ट के बारे में गलत हो, यानी वो उसको पता है कि ये गलत है लेकिन सामने वाले को विश्वास करा रहा कि ये सही है। कहता है द सजेशन एज टू फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ठीक है। तो सामने वाले को ये कहना है भाई ये सही है ये गलत नहीं है। एक्टिव कंसीलमेंट, कंसीलमेंट मतलब छुपाना, किसी फैक्ट को छुपाना, तो कंसीलमेंट मतलब छुपाना, किसी चीज़ को छुपाना, कंसील करना ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ दैट द फैक्ट। जैसे मान ले भाई कोई बंदा किसी को घोड़ा बेच रहा है और घोड़ा पागल है, बीस चीज़ है उसको पता है पहले से, और फिर भी बेच रहा है, तो फ्रॉड कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी भैया प्रॉमिस तो कर दी हाँ मैं करूँगा पर असल में नहीं करना चाहता, वही फ्रॉड है, ठीक है। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, या फिर कानून ने जिसको बोल रखा हो, कानून ने स्पेशली डिक्लेयर कर रखा है कि भैया ये ऐसा करेगा तो फ्रॉड कहलाएगा, तो क्या होएगा? ये चार चीज़ें फ्रॉड के डेफिनेशन में आती हैं। अब आगे रहते हैं इसेंशियल ऑफ फ्रॉड। इसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि भैया ये है, इसका मतलब ये है कि कब का फ्रॉड माना जाएगा, क्या क्या हालात होंगे। पहली बात तो है पहला पार्ट के बाय पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, भाई जो पार्टी होगी कॉन्ट्रैक्ट में वही तो फ्रॉड करेगी, जो उसका एजेंट ही तो फ्रॉड करेगा, कोई स्ट्रेंजर थोड़ी आके फ्रॉड कर देगा। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में ही है, में ही नहीं है, जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं है वो कैसे फ्रॉड कर सकता है? फ्रॉड तो करेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, तो जानना पहचान बिल्कुल। द फ्रॉड मस्ट बी कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनी वन विद हिज कनिवेंस और बाय हिज एजेंट, यानी सब मिले हुए हैं। डज द फ्रॉड बाय स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर स्ट्रेंजर फ्रॉड करता है तो उससे उसकी वैलिडिटी कंप्लीट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इसके ऊपर हुआ क्या कि जब एक कंपनी शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस छापती है, प्रोस्पेक्टस में अपनी पुरानी जानकारी डालती है, तो अपनी पुरानी जानकारी में डाला कि भाई
यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल में लिखा नहीं है, था क्या वो असल में डिविडेंड के बारे में था। डिविडेंड क्या था? डिविडेंड था इस तरीके से, क्या था, 16, 15, 14, यानी 2017 में मान लो उन्होंने दिया 16%, 2018 में दिया 15%, और 2019 में दिया 14%, तो 2020 में कितना जाएगा? पहले में कितना था? नहीं बस ये चक्कर तो सोता रहता है जब मैं बोल रहा हूँ, तो एग्जाम्पल में एकदम तेरा ध्यान होना चाहिए। सॉरी सर, ठीक है, मैं पहले में 16, 2017 तेरह में होगा, 16 तेरह 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 होना चाहिए ना। हाँ, अब वो क्या कहता है, मुझे डायरेक्टर है वो कहता है कि मैं जो है 15% देता हूँ। अच्छा, वो ऐसा लिखता है प्रोस्पेक्टस में। हाँ, देखो कैसे इन तीनों का अगर एवरेज निकालें तो 15% आएगा, 3 साल का एवरेज अगर निकालें तो 15%, वो एवरेज बेस पर डाल देता है। अब सामने वाला बंदा विश्वास कर लेता है, उसके शेयर खरीद लेता है। अब वो जब शेयर खरीदता तो उसको जब मिलता तो उसको 12-13% मिलता है, तो वो कहता है भाई ये तो गलत है, तो ये क्या फ्रॉड ही हुआ इस तरीके से, तो ये फ्रॉड है क्योंकि उसने मिस स्टेटमेंट की है, फॉल्स स्टेटमेंट की है अबाउट द डिविडेंड। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट, अ शेयर होल्डर हु हैड सब्सक्राइब फॉर द शेयर ऑन द फेथ ऑफ द प्रोस्पेक्टस वॉन्टेड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो चाहता है वो अवॉइड करना, अवॉइड कर सकता है। इट वाज हेल्ड दैट ही कुड डू सो बिकॉज द फॉल्स स्टेटमेंट मेड बाय डायरेक्टर्स अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, दूसरा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, गलत दिखाना, झूठा रिप्रेजेंटेशन होगा, जब भी तो बोलेगा फ्रॉड हुआ है, अब सच्ची बोला फिर क्या फायदा। ठीक है, कहते हैं देयर मस्ट बी अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एंड इट मस्ट बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्स फ्रॉड। झूठा प्रेजेंटेशन तो कर ही रहा है, झूठेपन के बारे में पता भी है। अगर मैं झूठा प्रेजेंटेशन करता हूँ, जैसे भाई मैं मान लो मैं कहता हूँ कि भाई तू रिलायंस के शेयर ले ले, तेरे को हर महीने के 10,000 तो कहीं नहीं गए, पर ऐसा है नहीं, मुझे पता ही नहीं इस बारे में, सर मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। अच्छा, मतलब कुछ भी बोलते, अच्छा ये बंदा ऐसा है वैसा, हाँ, जैसा मर्जी हो, ठीक है, तो फ्रॉड नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं इस बारे में, तो इसके लिए कुछ तो होगा, सुन तो ले, लेकिन मेरे को पता है कि भाई रिलायंस के शेयर में इतना फायदा नहीं होता, वो तो अलग घाटा ही हो चल रहा है आजकल, अगर मेरे को पता होता तो फिर फ्रॉड वाला, यानी मैं अगर जानबूझ के तेरे को फंसाना चाहता हूँ कि भैया ये शेयर खरीद ले मेरी कमीशन बन जाएगी, तो सर इसके लिए कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे तो कोई बंदा बोल देगा केस कर दे यार इसने मुझे गलत बताया। डेफिनेटली फिर तो वही है ना, ऐसा होता है कई लोग तो झूठे केस करते हैं, तो जिसने तो मेरे को बिराला ये चेप दिए, सर उसके लिए कुछ ना कुछ फंसता कौन होगा, फिर वो बंदा फंसता नहीं फंसता, जैसे मैंने आपके फेस कर दिया, डिपेंड करता ना वकील पे, वकील को क्यों दिया हमने फीस, वकील साबित करेगा कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसका वकील साबित कर देगा झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मेरा वकील साबित कर देगा सच बोल रहा है सच बोल रहा है, वो तो बाद की बात है, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि भाई अगर झूठेपन के बारे में बंदे को पता है और फिर वो सामने वाले को इंड्यूस कर रहा है किसी कॉन्टेक्ट में आने के लिए, तो हम लोग बोलेंगे कि फ्रॉड हुआ है। अगर मान लिया सामने वाले को पता ही नहीं है, वो तो मिसरिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि वो तो सोच रहा सही है। अब भाई जैसे कि घोड़े के बारे में एग्जाम्पल ले लें, एक घोड़ा है, घोड़े दो टाइप के होते हैं, एक जो घोड़े गाड़ी में रखते हैं, एक जो रेस में दौड़ते हैं। अब मैं लाया घोड़ा, भाई घोड़ा देखने बड़ा तगड़ा है, एकदम टाइट है, मेरे को लग रहा है कि घोड़ा रेस वाला है, मैंने तेरे को रेस वाला बोल के बेच दिया, जब तो दौड़ाने कहते दौड़े ना, बग्गी नहीं बंधी पीछे, ठीक है ना, तो वहाँ पे मेरा फ्रॉड नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि घोड़ा कौन सा है। लेकिन अगर मेरे को पता है कि भैया ये घोड़ा जो है कार्ट हॉर्स है, ये घोड़ा गाड़ी वाला हॉर्स है, और मैं तेरे को रेस हॉर्स बता के बेच दो, तो फ्रॉड है। अरे बात समझ में, समझ गया, ठीक है, अब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में अगर उसको झूठेपन का पता है तो ही फ्रॉड है। जैसे मान लो मेरे पास कोई गिफ्ट आया, उसके अंदर थी पेंसिल, बाहर डब्बा है पेन का, ये ले भाई पेन ला 10 रुपए दे, अब उसने मेरे को दे दिया, मैं पैसे मुझे मिल गए, अब बंदा वो कहता है यार इसमें तो पेंसिल निकली, अब यार गिफ्ट आया मैंने तो देखा, मुझे क्या पता, तो फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इतना नहीं पता क्या फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब वो धोखा थोड़ी, समझ गया, ठीक है, तो ये नहीं होनी चाहिए फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। फॉल्सहुड के बारे में पता, नॉलेज की बात कर रहा हूँ, फॉल्स तो होगी होगी, हाँ ठीक है, झूठा तो होगा, हाँ। लेकिन झूठे मन का पता है तो फ्रॉड है, झूठे मन का पता नहीं है फ्रॉड, तो मिसरिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। वेयर द रिप्रेजेंटेशन वाज ट्रू एट द टाइम व्हेन इट वाज मेड बट बिकम्स अनट्रू बिफोर द क्वांटिटी एंटर्ड इनटू एंड दिस फॉल्स फैक्ट इज नोन टू द पार्टी हु मेड द रिप्रेजेंटेशन इट मस्ट बी करेक्टेड। कहता जिस टाइम क्वांटिटी बनाया गया था उस टाइम तो वो बात सच थी, लेकिन बाद में पता लगा कि वो गलत हो गई। जैसे कि मान लें भाई मैं तेरे को घोड़ा बेचना चाहता हूँ, अब घोड़ा मर गया, अब मैं तेरे को बता ही नहीं था, और मैंने इतने पैसे ले लिए, तो मुझे तेरे को बताना चाहिए था ना, या फिर घोड़ा बीमार हो गया, मैं तेरे को बता नहीं रहा हूँ, मुझे पता क्या बीमार है, ये एक गलत चीज़ है, तो ये गलत है, तो वो ये कह रहा है कि भाई अगर कुछ हो गया तो करेक्ट करो उसको, अगर आप करेक्ट नहीं कर रहे तो फिर फ्रॉड कर रहे हो,
शादी के मामले में ले लो जी, लड़का हमारा ऐसा है वैसा है, शादी का और कुछ और। हाँ मैं तो देखो हमेशा लड़का भी ऐसे नहीं, लड़की भी ऐसे दिखने की, ठीक है। कितने बार ऐसा होता है, बोलते लड़का स्मोकिंग नहीं करता, पर पता नहीं एकदम का नशेड़ी होता है, ठीक है ना, तो फ्रॉड है वो। एग्जाम्पल कहते हैं एक्स ने फ्रॉडेंट भी इन्फॉर्म किया भाई को कि एक्स की जो स्टेट है उस पर कोई भी बकाया नहीं है, कुछ भी बकाया नहीं है, फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस, किसी भी चीज़ का कोई भी बकाया नहीं है, ठीक है। और उस पर विश्वास करके भाई ने खरीद ली उसकी एस्टेट, जमीन ज्यादा खरीद ली उसकी, ठीक है। लेकिन असल में क्या था, वो जो जमीन थी वो गिरवी रखी हुई थी। अब भाई एक्स को तो पता है ना कि मेरी जमीन गिरवी पे है या नहीं है, पता है उसको फॉल्स रूल के बारे में पता है, और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की है तो क्या है, फ्रॉड है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैंसिल हो सकता है, तो अपने पैसे वापस ले सकता है। या फिर अच्छा इसमें एक चांस और होता है, अगर मान लें फ्रॉड हो जाए, भाई जमीन मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है, क्वेश्चन तो बहुत आ रहे माइंड में। ठीक है, देख जैसे कि भाई मेरे को जमीन तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि जमीन बड़ी मौके की जमीन है भाई, मेन रोड पर जमीन पड़ी हुई है, मेरे को जमीन मिल गई, वो मान लें 50 लाख की मिल गई, मैं तो बड़ा खुश हुआ भाई, कितनी सस्ती मिल गई, 2 करोड़ की मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको लोन चल रहा है। अब क्या मतलब जमीन वापस कर दूँ? नहीं, मैं बोलूँगा भाई किसी और को लोन भर, क्या बात, लोन भर अपना, नहीं अच्छा तो मैं तेरे पर केस ठोकता हूँ। तो मैं चाहूँ तो एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए उसको बोल सकता हूँ कि भाई लोन भर दो, जमीन तो मेरी है, या फिर मैं उसको फिर वापस कर सकता भैया, या फिर ये पकड़ जमीन, मेरे को पहले पैसे दो। लोन भरने वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, पर वो करेगा नहीं, भरना क्या हो तो भर ही करते हैं, क्यों देता नहीं है, करते, कर भरना हो तो भर देता हूँ। देते हैं। चलो अब आगे रिप्रेजेंट एज टू फैक्ट। अब वो जो गलत रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो फैक्ट के बारे में तो होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट सच्चाई। के फैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट के बारे में। अब जमीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट था, उसका क्या थी, क्या था उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन मैटर क्या था, जमीन थी, तो जमीन के बारे में झूठ होगा, ये तो बात बनेगी। अगर वो बोले कि भाई मेरा भाई तो इनकम टैक्स ऑफिसर है, बेशक नहीं है, मैं तेरे को जमीन बेचता हूँ अपनी, आ रही बात समझ में, मैं तेरे को अपनी जमीन बेचता हूँ, ठीक है, और जमीन मॉर्गेज पे है, या फिर जमीन फ्री है, जमीन में कुछ नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरा भाई तो भाई इनकम टैक्स ऑफिसर है और असल में नहीं है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो यही कहता है भैया फैक्ट के बारे में बोले, फैक्ट क्या था, इससे जमीन थी, जमीन के बारे में गलत बोलूंगा तो ही तो होगा। तो कहता है रिप्रेजेंटेशन जो वो बंदा दे रहा है ना, वो उसके फैक्ट के बारे में होना चाहिए, द रिप्रेजेंट मस्ट बी रिलेट टू फैक्ट, इन अदर वर्ड्स अ मेयर ओपिनियन, अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्रेशन और इंटेंशन डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। तो खाली अपने एक ओपिनियन रख रहा है इसके बारे में, कुछ बात कर रहा है, तो वो फ्रॉड नहीं है, फैक्ट के बारे में बात करेगा, मेन सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा झूठी, तो ही फ्रॉड कराएगा, ठीक है। अगला डिसीव एक्चुअली डिसीव्ड, भाई असल में धोखा भी तो होना चाहिए, मीनिंग क्या था सर, धोखा धोखा लिख देना सर एक बार। रिसीव का होता धोखा, भाई असल में उसको जो है धोखा होना चाहिए, धोखा नहीं होगा तो कहाँ से वो फ्रॉड काउंट करेगा। अगर मान लो भी मैं अपनी जमीन में जो है गिरवी रखी हुई है और मैं बेचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैंने जमीन गिरवी रखी हुई है और मैं बेचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सामने वाला लेता ही नहीं, तो क्या धोखा हुआ, रिसीव हुआ वो, जब रिसीव नहीं होगा तो फ्रॉड कहाँ से होगा, ठीक है ना। द फ्रॉड मस्ट एक्चुअली रिसीव्ड द अदर पार्टी हु हैज एक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, जो बंदा उस रिप्रेजेंटेशन में विश्वास करता है। इन अदर वर्ड एन अटेम्प्ट टू रिसीव द अदर पार्टी बाय विच द अदर पार्टी इज नॉट एक्चुअली रिसीव इज नॉट अ फ्रॉड। तो रिसीव करने की कोशिश करता है पर रिसीव नहीं होता तो फ्रॉड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर यह बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, होस्टफुल वर्सेस थॉमस का। देखो इसका इस क्वेश्चन इस केस का आंसर आज तक कोई सही नहीं दे पाया, और मुझे तेरे से पूरी उम्मीद है कि तू भी सही नहीं दे पाएगा। एक क्या होता है, एक एक्स होता है, उसके बाद एक डिफेक्टिव कैनन होती है, कैनन मतलब तोप होती है, समझ गया वो तो, ठीक है, क्या होती है, डिफेक्टेड कैनन होती है कैनन उसके होती है, पास। ठीक है। अब उस डिफेक्ट को छुपाने के लिए वो उसके ऊपर एक मेटल का प्लग लगा देता है, मेटल का प्लग लगा देता है, वो उसका जो है चीज छुप जाती है। अब बंदा आता है आके उसको खरीद लेता है, भाई आता है उसको आके खरीद लेता है, ठीक है, और वो खरीद के ले जाता है। अब बताओ क्या यहाँ पे ये धोखा दिया उसने, सर धोखा नहीं दिया, जब उसने उसको चलाया, जब उसने उसको चलाया तोप को, तोप फट गई उसकी वजह से, जो डिफेक्ट था उसके अंदर, जो डिफेक्ट उसने छुपाया मेटल प्लग से, उसकी वो फट गई तोप। तो बताओ धोखा हुआ या नहीं हुआ,
धोखा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि उसने जो उसका डिफेक्ट था ना वो छुपा दिया था सबसे पहले बात, एकदम गुड कंडीशन में दिया था जब वो ले रहा है तो नहीं, गुड कंडीशन थोड़ी ना है। अगर जो मान लो मेरा टेबल टूटा हुआ है और टेबल के ऊपर मैं पॉलिश लगा दूं तो क्या वो चीज ओके हो गई? ओके नहीं हुई, मतलब वो तो बायर के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसको चेक करके लेना चाहिए। हाँ वेरी गुड, तो बायर के ऊपर डिपेंड, पहला बंदा है कि तूने सही जवाब दिया। क्योंकि अगर उसके टॉप के ऊपर मेटल प्लग लगा हुआ है ना तो भैया प्लग क्यों लगा रखा तूने, क्या यूज है इसका? यूज उसमें प्लग का यूज ही क्या, यूज ही क्या है टॉप में तूने प्लग, प्लग मतलब ये वाला प्लग नहीं है, बिजली वाला प्लग समझ गया, वो दूसरे जो लोहे के जो डिजाइन होते हैं ना हाँ वो लगा रखा था उसने। तो उससे पूछना चाहिए था कि भैया ये जो तुमने मेटल प्लग लगाया है इसका यूज क्या है इसके ऊपर, तो तू पहला बंदा है जिसने सही जवाब दिया। अगर मैं कोई चीज पेन वगैरह लेने जाता हूँ हाँ। तो जैसे कोई भी हेडफोन वगैरह लेने जाओ वो कहते हैं जी ले जाओ उसके बाद हमारी गारंटी है, तो घर पे मैं यहाँ चेक करके ले जाऊंगा उसको, वहीं चलानी थी, अगर वहाँ फटती ना तो वो उसकी तो वो केस कर सकता था भाई ये ऐसा ऐसा हुआ, नहीं लेता ही नहीं फिर वो, अगर वो वही पे वही को चेक करता लेकिन लेता नहीं, पैसे देता नहीं, इसकी बात ठीक है तो उसने चेक किया था कई बारी बात नहीं आती, तो असल में धोखा होता नहीं ठीक है। लेकिन ये धोखा से, इस धोखे से वो बच सकता था क्योंकि वो जो प्लग था उस प्लग का क्या क्या यूज है उसके बारे में पूछना चाहिए था ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कैवियट एम्प्टर, कैवियट वर्सेस एम्प्टर, कैवियट एम्प्टर एक रूल था पहले कि जब आप कोई चीज़ लेते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए चीज़ खरीदते हुए। लेकिन आज क्या चलता है कैवियट सेलर, क्यों चलता है विशाल कैविट सेलर? सर मेरे को याद ही नहीं है, अब चलता है कैविट सेलर, कैविट सेलर क्यों वो चेक करके है? दिखाता है, अगर ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदेगा तो उसे चेक कर लेगा नहीं, तो यहाँ पे सेलर की जिम्मेदारी है कि चीज़ ओके भेज। अच्छा ठीक है, कैविट एम्प्टर मतलब बायर की जिम्मेदारी है, जैसे दुकान वगैरह हो गई कैविट एम्प्टर हो गया, और अगर कोई अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग होगी तो वो कैविट सेलर चलेगा, अगर वो नहीं चल रही है तो वो कर सकता है। अगर सर इसमें बेनिफिट भी है, चीज आई डिलीवर हो गई उससे टूट गई कुछ भी थोड़े से पार्ट निकल गया चाहिए तो टूटा हुआ आया जी, आप हफ्ते भर के अंदर चेंज हो जाती है वो, बेशक से हमसे ही टूटी हुई कंपनी को, हां कंपनी की पॉलिसी है, चल रहे कोई फ्रॉड है गलत बात है, ऐसे गलत काम नहीं करना, नहीं वो करना नहीं चाहिए, बट सर ये कर सकते हैं सर, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। चलो पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट है सफर्ड लॉस, पोंगलाल मैडम सफर्ड लॉस, लॉस होना भी जरूरी है, मतलब कि मान ले किसी बंदे ने तेरे को फ्रॉड किया और तेरे को फायदा हो गया तो तू कुछ कहेगा नहीं आएगा, फिर गलती हो जाता तो लॉस होगा तो ही तो फ्रॉड मानेंगे, अगर अगर किसी के फ्रॉड करने से तेरे को फायदा रहा तो आएगा फ्रॉड भैया ठीक है तो दोबारा और कर दे ठीक है। तो एक्चुअली में जो है इसको लॉस होना भी जरूरी है। अगला एक टॉपिक आता है डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, क्या चुप रहना फ्रॉड कहलाता है, कब कहलाता है? भाई मेरे साथ धोखा हुआ है आवाज उठानी चाहिए, नहीं अच्छा हम फ्रॉड की बात कर रहे हैं, तो भाई जनरल रूल कहता है कि चुप रहना फ्रॉड नहीं कराता। अच्छा ऐसे पूछ रहे हो क्या? नहीं वो तो नहीं कराता ठीक है, किसी चीज़ के बारे में चुप रहना फ्रॉड नहीं कराता, जैसे आपको पता है कि ये चीज़ आप चुप हो हाँ तो फ्रॉड कराता, मुझे पता है कि भाई ये चीज़ गलत है और मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ तो फ्रॉड कराएगा। यहाँ पे क्या रिलेट नहीं कर पा रहा मैं, अभी देखो पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन नंबर एक्सप्लेनेशन रखे मेयर साइलेंस as to fact likely to willingness of a person to enter into contact is not fraud, जनरल ये कहता है जैसे कि भाई ए जो है अपना घोड़ा बेचता है ऑक्शन में बी को और कहता है भाई उसको पता होता है कि घोड़ा अनसाउंड है और वो चुप रहता है तो क्या ये फ्रॉड कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? वो चला के नहीं देख लेगा घोड़ा सही है नहीं सही, नहीं कहलाएगा ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो घोड़ा अनसाउंड है और ऑक्शन उसकी बेटी खरीद रही है, अब वो चुप रहे तो सर तब भी नहीं, तब फ्रॉड है, तब फ्रॉड कराएगा फिड्यूसी रिलेशनशिप में है ठीक है, उसको पता क्या भैया मेरे ये मेरा ही नुकसान होएगा इससे तो फ्रॉड ही कराएगा, तो भी बंदा इतना चला के तो भी बेचने लगा अपनी बेटी को। अच्छा अपनी बेटी, मैं तभी टाइम लग गया मेरे को लगा कि बी की बेटी की बात नहीं नहीं अपनी बेटी को ही बेचने में लगा हुआ है, तो बेचेगा वो सीधी तो फ्रॉड कराएगा ठीक है। जहाँ पे फेडरेशन रिलेशनशिप होती है पेरेंट चाइल्ड ट्रस्टी वगैरह की जो होती है वहाँ पे अगर बंदा कोई करता है ऐसा काम चुप रहता है गलत होने में तो फ्रॉड कहलाएगा, किसी के साथ और किसी के साथ कर दो नहीं कहलाएगा जी, ये जी हमारी चीजें ले लो ठीक है जी ले गया, वो तो उसकी गलती है बिना देखे लेगा नहीं करके लेगा कैविट एम्प्टर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसकी एक्सेप्शंस तो हमने पढ़ा कि भाई चुप रहना फ्रॉड नहीं कहलाता,
नहीं एक्सेप्शन आएगी, पहले एक्सेप्शन वही है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेयर पार्टी स्टैंड इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप लाइक पेरेंट चाइल्ड ट्रस्टी बेनिफिशियरी, ये वही एग्जांपल है जो मैं बता रहा था कि ए जो है अपना जो घोड़ा बेच रहा है ऑक्शन में, उसकी बेटी जो है उस घोड़े को खरीदना चाहती है, अब यहाँ पे वो चुप रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये फ्रॉड हुआ है। दूसरा, वेयर द साइलेंस इट्स सेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, यहाँ पे चुप रहना बोलने के बराबर है। जैसे कि मैंने कहा कि तुषार अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं सोचूंगा घोड़ा सही है, अब तुम चुप रहे सही तो है ये फ्रॉड हो गया, ठीक है, सोना मैं सही समझूंगा ना भाई, तुषार चुप रहा है तो भाई अब ये इक्विवेलेंट टू स्पीच हो गया। एग्जांपल, बी सेज टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर तुमने मना नहीं किया इसको, आई शैल अज्यूम दैट हॉर्स इज साउंड, घोड़ा एकदम सही है, पागल नहीं है। बी इज ए कहा गया, ए सेज नथिंग, ए ने कुछ नहीं कहा, हेयर ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, इफ द हॉर्स टर्न्स आउट टू बी वीसीएस पागल निकला, तो ए कैन बी हेल्ड लाइबल फॉर फ्रॉड, तो ए के ऊपर फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है, लॉयर का काम है दिमाग लगाने वाला। तीसरा, आधा सच, आधा सच ना पूरे झूठ से खतरनाक होता है, आधा सच बहुत खतरनाक है। ये घोड़ा है पागल नहीं है, ये सब कुछ नहीं बताया, आधी चीज बता दी, आधी बता दी, उसने ये बता दिया कि भाई ये घोड़ा है, ये ऐसे दौड़ता है वैसे दौड़ता है, वो ये नहीं बताया कि पागल है, या फिर वही बात जो भी मैंने बताई थी डिविडेंड वाली, यहाँ पे एग्जाम्पल डिविडेंड वाला ही है, एक कंपनी ने ये डिस्क्लोज कर दिया कि हम लोग एवरेज तौर पे डिविडेंड 15% दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में वो डिक्लाइन था, घट रहा था, ठीक है, तो आधा जो आधा सच हुआ, 13 15 देना चाहिए, हाँ 15 ले लिया हमसे, तो 15 पहुँच के भी 15% डिविडेंड है, लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया तो ये फ्रॉड है, ठीक है, तो आधा सच भी जो है फ्रॉड कहलाता है। अगला था इफेक्ट, भाई फ्रॉड के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, असर क्या क्या होंगे बता, लॉस हो रहेगा बंदे का, अब नहीं यार वो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं, लॉस हुआ हुआ है तो हमने वो पढ़ लिया कि अगर वो 5 पॉइंट पूरे हुए तो वो तो ही फ्रॉड माना जाएगा, तो लॉस तो वही होगा, अब उसके बाद क्या होगा, रिलेशन खराब रहेंगे तो छोड़ तो फालतू होता है, पहले बात तो है कि भैया उसके राइट आ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, खराब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म खत्म कर सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, खत्म कर सकता है, ये पावर आ जाएगी पहली बार, ठीक है। द पार्टी हुज कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड कैन रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैन नॉट डू सो इन द फॉलोइंग केसेस, लेकिन इन केसेस में नहीं कर सकता, पहला बात कह रहा है कि भाई जो जिसको एक्सेप्टेंस दी है जिस बंदे ने, जिसको नुकसान हुआ है, ठीक है, उसको वो रिसाइन कर सकता है, लेकिन इन केसेस में नहीं कर सकता, नीचे चार केस लिख दिए, पहला जहाँ पे साइलेंस इक्वल अमाउंट टू फ्रॉड, द एग्री पार्टी कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही हैड द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस, जहाँ पे चुप रहने से फ्रॉड है, लेकिन वो अपने आप आराम से चेक कर सकता था चीज़ को, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। दूसरा, वे द पार्टी गेव द कंसेंट इन इग्नोरेंस ऑफ फ्रॉड, उसको पता है कि फ्रॉड हो रहा है फिर भी एक्सेप्टेंस दे रहा है, अच्छा जो खरीद रहा है जैसे मेरे को पता है टूटी, फिर भी मैं कह रहा हूँ, फिर भी मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के ले रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ फ्रॉड को, हाँ तो भी ये कैंसिल नहीं कर सकता। तीसरा, वे द पार्टी आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द फ्रॉड टेक्स अ बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जब जहाँ पर पार्टी को पता चल गया फ्रॉड हुआ है और उसमें फायदा उठा रहा है, फायदा हो रहा है, तो भी नहीं होगा फ्रॉड, वो कैंसिल। वेयर द पार्टीज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ पे पार्टी है वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकती, अब फ्रॉड हुआ लेकिन वो चीज़ यूज हो गई, खत्म हो गई, अब वो ना तो चीज़ वापस जा सकती तो पैसे वापस नहीं आ सकते, जैसे एप्पल हो खाने की आइटम हो गई, खराब आइटम हो गई, इन्फेक्टेड ना हो, उसने कहा भैया कश्मीर का सेब है और सेब नासिक की साइड का है, खा गया खत्म हो गया, अब वो क्या केस करेगा, भैया तो नासिक के थे, निकाल के दिखा, ठीक है, तो जहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे बंदा वापस नहीं जा सकता, ठीक है, तो इन केसेस में वो केस नहीं कैंसिल कर सकता, नहीं तो कैंसिल कर सकता है। दूसरा पॉइंट, राइट टू इंसिस्ट अपॉन परफॉर्मेंस, अब जैसे मैं वाला एग्जांपल बोल रहा था कि उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी थी और प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वाला पॉइंट आ गया, वो कहेगा भैया तू अपनी मॉर्गेज दे दे, जब जमीन में वापस नहीं कर रहा तो अपने जो मॉर्गेज के पैसे दे दे, तो इंसिस्ट कर सकता है कि नहीं भाई तू ये परफॉर्मेंस कर, ठीक है, एग्जाम्पल भी वही है मॉर्गेज वाला।
The party whose consent was caused by fraud may, if he thinks fit, insist that the contest shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. अगर वो रिप्रेजेंटेशन सच हो जाती है तो वो सच करवा लेगा उससे. अगला है राइट टू क्लेम डैमेज, जब नुकसान हो, अगर अगर फ्रॉड करने से किसी बंदे को नुकसान हुआ है तो वही करेगा, तो उस डैमेज के लिए वो क्लेम कर सकता है. फायदा वाला क्यों करेगा, फायदा करेगा नहीं करेगा. चलो अब शुरू करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन. तो मिस रिप्रेजेंटेशन है सेक्शन 18 और मिस रिप्रेजेंटेशन उसका है जो है उसका अपोजिट है फ्रॉड का. फ्रॉड में क्या था, धोखा, कि बंदा जानबूझ के धोखा दे रहा था, उसमें दिखा रहा है गलत, नहीं उसको पता था कि भैया गलत है. यहाँ पर बंदे को पता नहीं गलत है, यहाँ पे भी धोखा ही हो रहा सामने वाले को, पर खुद को नहीं पता, खुद को नहीं पता कि गलत है, फॉल्सहुड के बारे में पता नहीं है. तो मिस रिप्रेजेंटेशन इज व्हेन अ पार्टी असर्ट समथिंग विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू. यानी असर्ट मतलब असल में कुछ जो ट्रू नहीं है, असल में ट्रू नहीं है लेकिन वो सोचता है कि ट्रू है. इन अदर वर्ड्स मिस रिप्रेजेंटेशन इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड इनोसेंटली. वो इंटेंशनली था, उसने बंदे की इंटेंशन थी कि मैं सामने लगाऊंगा या फिर इनोसेंटली. एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड. पहला अनजस्टिफाइड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, पॉजिटिव असर्शन है, अनजस्टिफाइड है, सोचता कि सच है लेकिन असल में सच नहीं है, ठीक है. दूसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, वो अपना जो है काम जो पूरा नहीं कर रहा कोई, लेकिन सामने वाले को धोखा देने के पर्पज से नहीं है ऐसा. इंड्यूसिंग अदर टू मेक मिस्टेक एज टू क्वालिफाई और नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सामने वाले को इंड्यूस कर रहा है कि वो कॉन्टेक्ट में आ जाए, ठीक है, मिस्टेक है. अब एलिमेंट आ गए, देख एलिमेंट सेम टू सेम है. पहला वही पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा फोर्स रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या था, इंटेंशनली था या इनोसेंटली है, विदाउट नॉलेज है, इनोसेंटली है, ठीक है. और रिप्रेजेंटेशन फैक्ट के बारे में होना चाहिए, वही वाला पॉइंट है कि फैक्ट के बारे में हो. ऑब्जेक्ट चीज, ऑब्जेक्ट जिस चीज पे हो रहा है, नहीं नहीं वो सब्जेक्ट है, उद्देश्य है. यहाँ पे सामने वाले का उद्देश्य क्या है, सामने वाले का उद्देश्य इतना है कि वो कॉन्टेक्ट में आ जाए, ये नहीं कि मैं उसको धोखा देना चाहता, ठीक है. कदा द रिमे मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू इंड्यूसिंग द अदर पार्टी टू एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट, तो सामने वाली पार्टी को वो मजबूर कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए विदाउट इंटेंशन ऑफ रिसीविंग ऑफ अदर पार्टी, बिना धोखा देने के पर्पज से, ठीक है. अब जैसे कि एक्चुअली एक्टेड सही में क्या गया हो भाई, जब मैंने मिस रिप्रेजेंटेशन दी तो उस बंदे ने भी एक्टेड कर दिया, कंसेंट दे दी, ठीक है. तो असल में एक्चुअली होना चाहिए, तो वही वाली बात होगी ना, जैसे सफर लॉस था, असल में लॉस होना चाहिए, जब भी तो वो डैमेज क्लेम करेगा तो एक्चुअल में एक्टेड करना चाहिए, जब भी तो वो करेगा. तो जैसे एग्जांपल है, एक्स ने कहा कि मैं भी ये लैंड खरीदना चाहता हूँ, मैं ये लैंड बेचना चाहता हूँ, और मेरा जो लैंड है वो 2 टन राइस पर एकड़ देता है. एक्स ने इस स्टेटमेंट पर विश्वास कर लिया, जबकि उसके उसको विश्वास करने के लिए कोई बेस था नहीं, और वाई ने परचेज कर लिया. ये कुछ एक्स, ये एक्स से वाई आएगा, वाई बिलीव कर लेता है उसके ऊपर, ठीक है, और खरीद लेता है. बाद में पता चलता है कि 1.5 टन हुआ खाली. अब उसने उसे 2 टन तो अंदाजा था, बताया उसने कि धोखा देने के लिए. अब 1.5 टन जैसे सर मान लो कोई भी एक कट्टा है, उसमें सर ये कितने होंगे, 50 किलो, क्या पता 52 निकल गए, 48 निकल गए, तो सर वही चीज़ है, उसमें कर नहीं सकते, ठीक है, ठीक है. जब क्योंकि वो बंदा आगे इफेक्ट है, इफेक्ट सेम टू सेम है. पहला रिसेंट वाला भी सेम टू सेम है, दूसरा इंसिस्ट परफॉर्मेंस भी सेम टू सेम, वही चीज़ है सर, ठीक है. तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ये तो रीड मार लिया, ठीक है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस को रीड मार लेना. इसका मिस्टेक पांचवा, मिस्टेक का मतलब क्या है, गलती हो गई है, ठीक है. जाना था जापान, पहुंच गए चीन, यानी वो करना कुछ और चाहते थे और कुछ और हो गया, इसको मिस्टेक बोलते हैं. अब मिस्टेक इज सेट टू हैव अकर्ड वेयर द पार्टी इंटेंडिंग टू डू वन थिंग बट बाय एरर डू समथिंग एल्स, कुछ और करना चाहते थे पर कुछ और हो गया. मिस्टेक इज एन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग, ठीक है. चलो अब देखो ये है कि 2 टाइप की है मिस्टेक. मिस्टेक केवल वॉइडेबल नहीं है, मिस्टेक जो है वॉइड भी है. कब, पहले मिस्टेक ऑफ लॉ की बात करते हैं. कहते अगर मिस्टेक को आप फॉरन लॉ करते हैं, वॉइड है.
अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है वैलिड है, इसको ठीक किया जा सकता है क्योंकि अपनी चीज़ है वो। हाँ हमारा कानून। अब आते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट के बारे में अगर मिस्टेक हुई है, असली चीज़ों के बारे में। फैक्ट जो चीज़ थी जिसके हाँ ऊपर कंटेंट बनना है, अच्छा या अगर कार है तो कार के समझ बारे गया, में जो है रुपये ऑब्जेक्ट का जो भी है उसका। ऑब्जेक्ट हुआ, ओके ठीक है। कहता है अगर वो यूनिलेटरल है यानी एक तरफा, अगर वो बाईलेटरल है, अगर वो बाईलेटरल है दोनों पार्टी मिस्टेक में है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, वर्ल्ड ठीक है। लेकिन अगर एक पार्टी मिस्टेक पे है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। देखो तो इसका सीधा था एक एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा है इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है। एक बंदा होता है वो ना ओट्स लेने जाता है, ओट्स। ओट्स, हाँ ओट्स की खीर बनती है ना, ठीक है। अब देख वो बंदा ओट्स बेच रहा है, अब वो ओट्स ना नए हैं और जो बंदा खरीदने आ रहा है ना वो सोच रहा है ओट्स पुराने हैं, तो मिस्टेक किसकी है? खरीदने वाले की। तो भैया यूनिलैटरल मिस्टेक होगी, तो भैया ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि तो गलती खुद की है। तो वही कहता है अगर एक एक पार्टी गलती पे है ना तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, ना तो वो वेडेबल होगा ना वो वैड होगा। क्लियर है जी? चलो आगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिस्टेक ऑफ लॉ की, ठीक है भाई। कानून के बारे में अगर आपको नहीं पता है, इग्नोरेंस है, तो उसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है? हाँ क्यों नहीं पता, पता होना चाहिए, उसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। अब ज़्यादा मैं एग्जाम्पल देता था कि भाई वाई वन शुड नो लॉ, भाई मर्डर कर दिया ताकि कोई एक्सक्यूज ना दे पाए स्टार्टिंग में। मर्डर कर दिया बंदे ने और बाद में कहता है जी मेरे को तो पता ही था कि मेरे को फांसी की सजा मिल जाएगी। तो यहाँ कि फांसी की सजा कैसे रहेगी भाई? फांसी की सजा तो रहेगी क्योंकि तूने मर्डर किया, ठीक है। तो कहता ये वर्ड बड़ा अच्छा है, इग्नोरेशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज। इसका मतलब क्या है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। पहला मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, व्हेन अ पार्टी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नॉलेज ऑफ द लॉ इन द कंट्री, द कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय सच मिस्टेक्स बट इट इज नॉट वॉयड। कहते हैं उससे फर्क पड़ेगा भाई, कुछ गलती होगी उसने कानून कुछ और समझ लिया, ठीक है, लेकिन इससे जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉयड नहीं हो जाएगा। हाउएवर इफ अ पार्टी इंड्यूस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय द मिस्टेक ऑफ लॉ देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। लेकिन अगर सामने वाला मजबूर करता है गलत कोई पकड़ के कि नहीं है तो ऐसे ही तो आ जा कॉन्ट्रैक्ट में, मिस्टेक ऑफ लॉ हो रही है लेकिन सामने वाला को इंड्यूस कर रहा है आने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक है, कहता है हरजोत एंड डैनी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन द इरोनियस बिलीफ दैट अ पर्टिकुलर डेट इज बेयर्ड बाय इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। अब इन दोनों लोगों ने आपस में जो है वो बना लिया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया डेट के लिए और सोच रहे कि बेयर्ड हो रखी है लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से, लेकिन असल में वो लॉ ऑफ लिमिटेशन के साथ बेयर्ड नहीं थी। तो कहता भैया ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, ये वैलिड रहेगा। मिस्टेक ऑफ फॉरन लॉ, इफ पार्टीज आर अंडर कन्फ्यूजन विद रिगार्ड ऑफ फॉरन लॉ प्रोविजन इट इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फॉरन लॉ एंड इट विल बी एक्सक्यूज बाय इंडियन कोर्ट। ये इसको जो है माफ कर देंगे और कहेंगे चलो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, द प्रोविजन इज सो बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्लियर नाउ? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू पर्सन टू हैव नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ कंट्री। तो इसको कोर्ट कह सकता है चलो ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट को दूसरी लॉ की क्योंकि जरूरी के सारे कानून जानते हैं दूसरे देश के, ठीक है। अब आगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी इधर बाईलेटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। बाईलेटरल मतलब ये दोनों पार्टी गलत सोच रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है। द टर्म बाईलेटरल मिस्टेक मीन्स वेयर बोथ द पार्टी टू द एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, वेयर बोथ द पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैनर ऑफ फैक्ट इसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है। जहाँ पे दोनों पार्टी मिस्टेक में चल रही है तो वॉइड हो जाएगा, तो वॉइड हो जाएगा, दोनों गलत सोच। दज द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइड बिफोर डिक्लेयरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अंडर दिस सेक्शन। कहता है तो ये जो नीचे कंडीशन ले रखी है ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होएगा। पहला कि भाई दोनों पार्टी मिस्टेक पे है, दूसरा मिस्टेक मस्ट बी ऑफ अ फैक्ट बट नॉट ऑफ लॉ, कानून के बारे में नहीं होनी चाहिए वो मिस्टेक, वो किसी ने फैक्ट के बारे में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने लॉ की तो पढ़ ली पीछे डेफिनेशन, लॉ की मिस्टेक पे क्या होगा। कहता अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 20 एन इरोनियस ओपिनियन एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। कहता अगर जो मान लो वो वैल्यू की बात कर रहे तो फैक्ट की बात फैक्ट नहीं है। कहता अगर जो इरोनियस गलती से ओपिनियन रखा वैल्यू ऑफ द थिंग का सब्जेक्ट मैटर की, कहता ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट तो सब्जेक्ट मैटर बनेगा ना जिस चीज़ पे बन रहा है जो ऑब्जेक्ट है। जैसे वाला था एग्जांपल कि एक बंदा था वो उसका दो कार थी, एक थी होंडा की और एक थी मारुति की,
एक वो कहता है मैं 50,000 की कार बेचूंगा, सामने वाला बंदा सोच रहा है कि मैं होंडा मैं कार इसकी, हाँ ये खरीद लूंगा रहा ये हूँ, वाली बेच और वो सोच रहा है कि भी मैं मारुति कार बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे दोनों मिस्टेक में आ गए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। ठीक है, मीटिंग ऑफ माइंड का एग्जाम्पल बन रहा था वो। मिस्टेक मस्ट रिलेट टू एन इसेंशियल फैक्ट, इसेंशियल फैक्ट जरूरी बात के लिए। ए एग्री टू बाय फ्रॉम बी अ सडन हॉर्स, इट्स टर्न आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ बार्गेन, जब वो बार्गेनिंग कर रहे थे मतलब घोड़ा मर चुका था। ठीक है, तो फैक्ट ही खत्म हो गया। हाँ दो नीदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट द एग्रीमेंट इज वही वॉइड, सिंपल है दोनों एकदम। पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगी हुई हैं, दोनों पार्टी को पता ही नहीं है कि भी घोड़ा मर चुका है। ठीक है, तो ये वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट। अगर बायलेटरल मिस्टेक एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर में कई सारी बातें आती हैं। दोनों लोग दो ठीक ही है, लोग इसमें सारी चीज़ें डिटेल आएगी। एन एग्रीमेंट इज वॉइड वेयर देयर इज अ बायलेटरल मिस्टेक एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर, अ बायलेटरल मिस्टेक एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड द फॉलोइंग। मतलब बायलेटरल मिस्टेक, तो पहली है मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जब ये भी हमने पढ़ा है कि घोड़ा मर चुका था, ये भी वो था ही नहीं और दोनों कॉन्टेंट बना रहे थे। दूसरा मिस्टेक एज टू क्वांटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, क्वांटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ए अग्रीज टू बाय फ्रॉम बी ऑल हिज हॉर्सेस बिलीविंग दैट बी हैज टू हॉर्सेस बट बी एक्चुअली हैज थ्री हॉर्सेस। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी गलत हो गई, वो सोच रहे वो दो सोच रहा है कि दो तीन। घोड़े क्या और घोड़े असल में तीन पड़े हैं, तो हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही कहलाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टेंट वर्ड हो जाएगा। मिस्टेक एज टू क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, अब क्वालिटी की बात वाली आ गई कि भी वो जो घोड़ा खरीदना चाहता है और वो सोच रहा है कि ये रेस हॉर्स है, लेकिन घोड़ा तो कार्ट हॉर्स है, घोड़ा गाड़ी का घोड़ा रही हो, तो यहाँ पे क्वालिटी की पंगा पड़ गया, तो ये भी सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक है। फिर आता है मिस्टेक एज टू द प्राइस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब देखो ये एग्री करता है घोड़ा बेचूंगा और वो उसमें लिख देता है कि मैं 1150 का घोड़ा बेचूंगा, जबकि बेचना कितना है 5150 से जाता है, 5150 के बेचना जाता है। ठीक है, और लिख दिया कितना 1150। 1150 अब यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये दोनों की गलती है, वो तो 1150 का खरीदने पहुँच जाएगा, वो कहेगा नहीं भाई मैंने गलती से लिखा है, तो वो जो है कोर्ट में जो है कैंसिल हो जाएगा। अगला है मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का वही वही बात है भाई, आप पहचान नहीं पाए पहचान नहीं चीज़ को। पाए अब वही है, तो घोड़े को देख के सोच रहा है कि गधा है। कद काठी अच्छी है, ये तो भैया रेस हॉर्स होगा, और जबकि असल में था वो काट हॉर्स। ठीक है, तो वहाँ पर आइडेंटिटी का भी भाई जो है सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा। मिस्टेक एज टू टाइटल, टाइटल का मतलब क्या होता है, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। अच्छा हाँ टाइटल ओनरशिप बताया था मैंने पहले एक बार, फिर कोई याद देता अभी अभी। ठीक है, असल में क्या है देखो, ए आई टू बाय अ पर्टिकुलर हॉर्स फ्रॉम बी, ए जो है बी से हॉर्स खरीदा जाता है, दैट हॉर्स इज ऑलरेडी ओन्ड बाय ए। उस तो वो कह रहा है कि भाई ए जो है बी से वो घोड़ा खरीदा था जिसका वो ऑलरेडी मालिक है, पहले से मालिक है। ठीक है, खुद ओनर तो खुद थोड़ी खरीदने का। अब इसे पीछे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार ना रतन टाटा गया अमेरिका में किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने के लिए, उसको खाना बड़ा पसंद आया, उसने कहा यार मैं ये ना खरीद लेता हूँ ये रेस्टोरेंट। ठीक है, बड़ा खुश हुआ, तो उसने कहा भाई वेटर को भाई अपने मैनेजर से बात कराओ, मेरे को उससे बात करनी है इसके बारे में। तो मैनेजर आया, हाँ जी सर, उसने कहा भाई मेरे को ये खरीदना है, होटल खरीदना है, तो बताओ मेरे को किससे बात करनी है। कहते जी मैं हायर अथॉरिटी को बुला के लाता हूँ। तो हायर अथॉरिटी वाले तो पहचानते थे रतन टाटा को, तो वो आए कहते हाँ जी सर, कहा यार ये होटल मेरे को खरीदना है, कहते सर आपको ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली बात आई टाइटल ओनरशिप की बात, कि अगर ऑलरेडी बंदा ओन कर रहा है उस चीज़ को तो वो मिस्टेक होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है। अब इसके पीछे एक और एग्जाम्पल हो सकता है, एक और एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, जैसे मान लो कोई बंदा है ए है, वो बी का घोड़ा चुरा के ले आया, ए बी का घोड़ा चुरा के ले और सी पर बेच रहा है। हाँ। अब ए की तो ओनरशिप नहीं है ना उसके पास, तो ये भी क्या कहलाएगी, वैसे तो फ्रॉड कहलाएगी, पर ये मिस्टेक भी हम लोग बोल सकते हैं। वैसे मिस्टेक तो जब भी होगी जब वो कुछ एरर आ रहा हो, है ना, जैसे ये तो फ्रॉड ही कहलाएगा, लेकिन ये अगर ओनरशिप किसी और की है तो आप उसको नहीं बेच सकते, ओनरशिप की पहचान में गलती हुई है। ठीक है, रतन टाटा अपना ही होटल खरीद रहा था। अब आगे बायलेटरल मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, दोनों लोग सोच रहे हैं कि हाँ भी ये काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा उसके बारे में सोच रहे हैं। एग्रीमेंट इज वॉइड वेयर देयर इज अ बायलेटरल मिस्टेक एज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इन अदर वर्ड वेयर द पार्टी टू एन एग्रीमेंट बिलीव दैट द एग्रीमेंट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस व्हाइल इन फैक्ट इट इज नॉट, व्हाइल इन फैक्ट इट इज नॉट सो द एग्रीमेंट इज ट्रीटेड एज वॉइड। ठीक है, तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये पॉसिबल है परफॉर्मेंस, लेकिन असल में नहीं है, मतलब इम्पॉसिबिलिटी में इधर बाय फिजिकल और लीगल। तो जैसे एग्जांपल मैंने बताया था पहले कि भी एक जो है तांत्रिक कहता है कि मैं जो इसको जिंदा कर दूंगा, एक बंदे की वाइफ मर गई, वो तांत्रिक ऐसे ले गया कि मैं इसको जिंदा कर दूंगा,
तो पॉसिबल नहीं है। अब तांत्रिक तो मन में सोच रहा कि मैं जिंदा कर दूंगा, और वो भगत भी सोच रहा हाँ भाई मुझे साधु बाबा जिंदा कर देंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ लेकिन असल में पैरालिसिस वो नहीं है, परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्योंकि फिजिकल तौर पर वो नहीं है। ऐसी कुछ लीगल बाइंड नहीं भी हो सकती है, कि हम तो सोच रहे हैं कि भैया लीगली हो जाएगा, पर असल में लीगली नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आगे यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड था। द टर्म यूनिलैटरल मिस्टेक मीन्स वेयर ओनली वन पार्टी टू द एग्रीमेंट इज अंडर अ मिस्टेक। केवल एक पार्टी जो है मिस्टेक पे है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मेयरली बिकॉज इट वॉज कॉज बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बींग अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। केवल एक पार्टी की मिस्टेक ऑफ फैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अवॉइडेबल नहीं होगी, हमारा सेक्शन 22 बोलता है। तो ये ओट्स वाला एग्जाम्पल है जिसमें वो कहता है कि भैया वो ओट्स बेच रहा है, और वाई सोच रहा है कि भाई वो ओल्ड है परचेज कर लेता है, जैसे हम नए थे तो यहाँ पे जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस का केस है। ठीक है, एग्जाम्पल है एक्स बाई पेंटिंग बिलीविंग इट टू बी वर्थ 50,000 जबकि असल में 5,000 रुपये की थी, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड भाई तू सोच रहा है सब पुरानी पेंटिंग है और उसको 50,000 की खरीदने को तैयार है। तो एक्सेप्शन, इसकी एक एक्सेप्शन भी है, कहते हैं द एग्रीमेंट इज वॉइड वेयर अ यूनिलैटरल मिस्टेक रिलेट टू द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विद और एज टू द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कहते हैं अगर जो बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कि वो कुछ और सोच के वो कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। देख एग्जाम्पल क्या कहते हैं, ये कहते हैं एक वुमन होती है, एक ना बंदा होता है बैरन करके, इसका नाम होता है पूरा मार्केट में फुल नाम होता है। तो एक वुमन क्या करती है, अपने आप को प्रेजेंट करती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। ठीक है, और दो जो है मोती के नेकलेस ले लेती है एक ज्वेलर्स से। ठीक है, और शो कर देती है कि भाई किसी भी तरीके से शो कर देती है कि मेरे हस्बैंड ने दिया, हस्बैंड है ये, मेरा हस्बैंड है। ठीक है, और वो पेमेंट कर देगा, और वो उठा के क्या करती है उसको गिरवी रख देती है एक ब्रोकर के पास। हाँ, वो गुड फेथ में ले रख लेता है। तो यहाँ पे कहता है हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ज्वेलर एंड वुमेन एंड इवन एन इनोसेंट बायर और ब्रोकर डिड नॉट गेट अ गुड टाइटल ब्रोकर मस्ट रिटर्न नेकलेस टू ज्वेलर ज्वेलर इंटेंडेड टू डील नॉट विद हर बट विद अ विद क्वाइट अ डिफरेंट पर्सन वाइफ ऑफ बैरन। आइडेंटिटी है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का पंगा पड़ गया कितना। तो सर ये क्लेम कर ही नहीं सकता ये बंदा, नहीं देखो क्लेम कौन करेगा, ज्वेलर तो ब्रोकर से ले लेगा, वही कोर्ट ऑर्डर करेगा, इंश्योरेंस ब्रोकर जो है केस करेगा कि ब्रोकर ने पैसे दे रखे होंगे। जी जी जिसके साथ प्लेज करके गिरवी रख के गई। अच्छा, इसने ज्वेलर्स लिए पति के नाम पे, पति आके पेमेंट दे देंगे। ठीक है, और वो जो जो वो जो नेकलेस है उठा के गिरवी रख दिया वहां से पैसे लेके, ब्रोकर को लेने हैं उससे। पर सर रियल लाइफ में पता लगाना बहुत मुश्किल है, कहाँ ने किसने किसको बेचा, पता चल जाता है, ऐसा कुछ मुश्किल होता है सर, पता तो चल जाता है, पता चल जाता है भाई। पुलिस चाहे ना तो सुई तक ढूंढ कर रख दे, अगर चाहे तो तेरी सुई हो जाए तेरी सुई मिल जाएगी, इन्हें तगड़े डीलिंग होती है। चलो सी होते जा रहा है। एज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेचर देखो कहता है एक इलिटरेट मैन साइन करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, एक इलिटरेट पर्सन है पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं और बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन कर रहा है। अब ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दैट इट वाज अ मेयर गारंटी, वो सोच रहा है कि भाई गारंटी के पेपर साइन कर रहा हूँ, हमें साइन क्या करवा लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज करा लिया, ये पैसे पैसे दूंगा मैं तेरे को। ठीक है, तो इधर हेल्ड दैट ही वाज नॉट लायबल फॉर द बिल ऑफ एक्सचेंज बिकॉज नेवर इंटेंडेड टू साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले भी पढ़ाया था इलिटरेट नहीं, वो वुमेन थी ना उससे साइन करा लिए थे, तो उसके एग्जाम्पल हो गया। अभी लास्ट में इफेक्ट है, इफेक्ट हम लोग स्टार्टिंग में वैसे पढ़ चुके हैं। देखो बाइलेटरल था फैक्ट के बारे में तो वॉइड था, ठीक है, यूनिलैटरल था अगर आइडेंटिटी और नेचर का था तो वॉइड था, और किसी मैटर में वॉइड नहीं था। ठीक है, एग्री पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या रहेगी, जो कुछ भी उसने बेनिफिट ले रखे हैं वापस करने पड़ेंगे, और दूसरी पार्टी भी कह रहेगी अगर उसने कोई पैसे वगैरह ले रखे हैं तो वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया, फ्री कंसेप्ट।